News 18, India. लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर इस बीच ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में खुद अकेले चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया। और टीएमसी की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें तीन बड़ी बातें कही गई हैं। दरअसल पहली बात, ममता बनर्जी का कहना यह है कि उनके प्रस्ताव को माना नहीं गया, इसलिए ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का यह बड़ा फैसला लिया। और दूसरी बड़ी बात उसमें यह कही गई कि ममता ने जो भी प्रस्ताव दिया गठबंधन ने उसे ठुकरा दिया। और तीसरी बात यह कि ममता का कहना है कि गठबंधन की बैठक में सीपीएम की चलती थी, सीपीएम बैठक को मैनेज करती थी। ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि वो 34 साल तक सीपीएम से लड़ी हैं। और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, ऐसे में झंडी इंडी गठबंधन के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब पंजाब से बड़ी खबर आपको दे दे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में सभी 13 सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीटों को लेकर कोई समझौता उनकी पार्टी नहीं करेगी। हालांकि ये पहले ही तय था, दोनों पार्टियों की जो राज्य इकाई है उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ यानी पंजाब में जो पार्टी है वो अपने दम पर लड़ेगी। हर कंस्टिट्यूएंसी जो तीन तीन, कहीं है जो चार भी नहीं, कहीं है जो एक भी है, जिम्मे जलंधर है तो सीटिंग है साडा। सो असी 40 करीब के नाम असी रखे ने, उस बाद फिर अगे सर्वे करावांगे, होर सर्वे लेवल होणगे, उस बाद जो भी विनिंग क्राइटेरिया रखा है असी पंजाब नूं जिताउणा है। असी पंजाब नूं देश दा सब तो मोहरी सूबा बनाउणा है। पंजाब बनूंगा हीरो 13-0। और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद क्रेडिट लेने की एक अलग ही होड़ मच गई है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों इसका क्रेडिट लेने की दौड़ में शामिल हैं। नीतीश का दरअसल कहना है कि वो लंबे वक्त से, लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और अब उनकी मांग मान ली गई है, इसके लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। और लालू यादव का कहना यह है कि ये फैसला बीजेपी ने जातिगत जनगणना से डर कर लिया है।